हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे थे अलीबाग और हमने यहाँ पे सारी प्रिपरेशन कर ली थी। और यहाँ पे मेरे बिल्लू को छोड़ के जा रहे थे, बाय बाय बिल्लू। और हम इसके बाद सब निकल रहे थे घर से, सारी बैग पैकिंग हो चुकी थी। अब सब घर से निकल ही रहे थे कि हम देखो सब सामान निकल रहा है घर से। उसके बाद हम भी सब निकल गए थे बाहर, बस बैग निकलना बाकी था। उसके बाद अक्की भी जाके बाजू में शाहीन रहती हैं, उसको बोल दी, मतलब बाजू वाली हैं, तो उनको बोल समझा दी कि हम बिल्ली को कैसा क्या करना है, कैसा रखना है, सही से रखना है। और यहाँ यूसुफ देखो टाटा बाय बाय कर रहा है और कह रहा है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये करें, वो करें। हाँ गाइस, अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करिए वीडियो देख के है तो, और लाइक बेल आइकन को दबा देकर जाया करें। और इसी तरह आपको आगे का व्लॉग भी यूसुफ बनाते हुए दिखेगा, क्योंकि मैंने आगे का व्लॉग नहीं बनाई थी। और यहाँ पे देखो यूसुफ निकल रहा है, सब निकल गए हैं। फिर यहाँ पे हम सब एक दूसरे को घर बाजू वाले को मतलब कह रहे थे कि घर देखना, ऐसा बोला जा रहा है ना, तो हम भी सब बोल रहे थे घर देखना। और यहाँ पे देखो अपनी चप्पल पहन रही है। उसके बाद हम सब अभी निकल जाएंगे। और देखो ये देखो, इसको तो व्लॉग बनाने का बड़ी वो है, तो इसने मेरे से हाथ से फोन ले लिया था। इसके बाद हेलो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ अलीबाग। तो अभी हम लोग की कार आने ही वाली है, बस ये थोड़ी दूर है, 5-3 मिनट का दिखा रहे हैं। तो फिर मैं अभी आपको मिलता हूँ हम लोग की कार में। सो गाइस, हम यहाँ पे अभी अपनी कैब में बैठ चुके हैं, हमने कैब बुलाई थी, हम अपनी कार नहीं लेके जा रहे थे। और यहाँ से हम निकल चुके हैं, बैठ चुके हैं। और यहाँ पे हम देख रहे थे कि मतलब जो फैमिली साथ हम जा रहे हैं वो आए, कार आ चुके हैं, कार आ चुकी है। और यहाँ पर सब बैठे हैं, ये देखो, और अब्बू बाहर से दवाई लेकर आ रहे थे। और ये पूरा बैग वैग रखा है, ये दो मैं और मेरी बहन बैठे हैं। इसका आधा मुँह देख सकते हैं क्योंकि वो अपना मुँह नहीं दिखा रही है। तो मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्ट शिप पे। हेलो, अभी हम लोग गाड़ी, आज का सारा व्लॉग यूसुफ बना रहा था। और आज अम्मी रो रहे थे, अम्मी की चूड़ी घूम गई। हम लोग घूमी नहीं है, मतलब रखी कहीं मिल नहीं रही है वो, इतने सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो यहाँ वहाँ हो जाता है। तो अभी हमारी गाड़ी रुकी हुई है, पंचर हो चुकी है अभी हम लोग की गाड़ी। हाँ, हमारी गाड़ी पंचर हो चुकी थी, अभी पंचर स्टैंड पे लगाए हैं, अभी पंचर भर रहे। तो अभी मिलते हैं हम लोग बाद में, इसी तरह हम आपको अपडेट देते रहेंगे। गाइस, आप देख सकते हैं ये हमारी शिप आ चुकी है। ये शिप इतनी बड़ी है, ये हम सेकंड टाइम बैठ रहे हैं हम लोग। लेकिन अगली बार जब हम फर्स्ट टाइम बैठे थे तो उससे पहले हमने वाइट वाले बैठा था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपना बैग लेके। तो ये देखो, हम अपना बैग लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे इतना वजन बैग था मेरा, मैंने बैग उठाई थी तो पीछे अपनी बातें कर रहे थे और फिर आगे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और जिसकी वजह से मेरा बैग अटक गया था मेरे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वजन था एक्चुअली। गाइस, ये हम लोग की शिप है, अभी मैं आपको अंदर से बताता हूँ। तो ये मेरे अम्मी अब्बू जा रहे हैं और ये भाभी भी जा रहे हैं, तो पीछे भी सब आ रहे हैं, देखो सब। अभी मैं आपको मिलता हूँ शिप। लगेज कहाँ रहेगा? बहुत बड़ी शिप है, अभी अंदर होटल भी है, मैं आपको बता दूँगा। ऊपर पहुँच चुके हैं, इससे भी ऊपर है, बट मैं इससे ऊपर जाएंगे कि नहीं पता नहीं, वो तो अब्बू बताएंगे अभी। तो हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में, मैं अभी फोटोज ले रही तो आप देख सकते। अरे कितनी अच्छी हवा चल रही है अभी, अभी तो आप पता नहीं चलेगा, लेकिन जब यहाँ से जाएंगे ना तो आप पता चलेगा, तो कितना मस्त व्यू आ रहा है। वाह, कितनी प्यारी हवा चल रही, कितनी सब अभी उधर जाने के बारे में बोल रहे हैं। अभी अब्बू भी उधर ही है, अभी अब्बू आए नहीं है, अभी देखना पड़ेगा अब्बू को। वो जो ऑरेंज ऑरेंज एंड वाइट वाइट बलून है वो। हाँ। और यहाँ पर देखो सब, अरे आदमी और कितना, जो सेकेंड टाइम है हमारा, अगली बार हमारी खुद की कार से आया था, इस बार लेकिन हम लोग ओला करके आए क्योंकि कार को थोड़ा इश्यू हो गया था। अभी यहाँ पर वो जो
खड़े हैं ना, वो मेरे अब्बू अम्मी है, वो मेरे अब्बू हैं और वो मेरे बड़े अब्बू हैं। ये मेरी बहन लोग बैठे यहाँ पर, अम्मी बैठे वहाँ पर, उन लोग बैठे इधर, उन लोग बैठे। अभी मैं मिलता हूँ आपको। हम लोगों ने एसी रूम बुक किए थे, मस्त लग रहा है लेकिन। हाँ बहुत भीड़। ये देखिए ये वाला गीताली किसी ने बनाया। तो लेने जाओगे तो। तो गाइस हम यहाँ पे अलीबाग पहुँच चुके थे। अब हम टुक टुक बैठे थे, टुक टुक रिक्शा जो भी बोलो, हम बैठ चुके थे। और दूसरी फैमिली है वो बस मतलब वो कार में बैठी थी। और हम देखो अलीबाग पहुँच गए। अभी हम लोग विला पे पहुँच चुके हैं और ये हम लोग टुक टुक में थे और मैं आपको अभी विला का टूर। ये हमारा पूल है, ये 6 फीट है पूरा, बहुत गहरा है। और ये मेरे हम लोग के विला की एंट्रेंस है। तो मैं पहले जूता उतार लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। और ये प्लेइंग रूम चुके हैं और ये है, मैं आपको दिखा दूँ। ये जो नीचे देख रहे हो आप, दिख रहा होगा, ये है प्लेइंग रूम मतलब हॉल। यहाँ पे पूरा रुकने वाला है और ये इतना बड़ा हॉल है। ये देखो यहाँ पर टेरिस है, कुछ ज़्यादा मतलब लेकिन अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिट है। यहाँ पे आप रखे थे उससे आगे सामने भी एक विला है, वो भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो आप देख सकते हो देखो कितना मतलब, मैं जूम करके दिखाती हूँ, जूम तो नहीं होगा बट कितना प्यारा लग रहा है आपको पता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे आम का पेड़ ढूंढ रही हूँ, अरे यहाँ आम का पेड़ तो मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पे रूम में दिखा देती हूँ, हम लोग देख रहे हैं। ये भी एक रूम है, ये एक रूम है, ये अच्छा है। नहीं नहीं ये मैं लेंगे, ये वो है टीवी है, ठीक है फिर इसमें मैं और अप्पी रहेंगे। ये अप्पी और मैं, अप्पी अपन दोनों गए। हाँ ये देखो पागल ही कहते छोटा रूम लिए, वो बालकनी वाला तो वो ही नहीं, कौन सा बालकनी तो नहीं दे रहे नहीं लोग ले लिए हमने पहले, आपको बोलो नहीं लोग नहीं, आप लोग को वही चाहिए। और आप टुक टुक में आओ, टुक टुक में हम लोग वही थी, हम लोग संगी नहीं बनना। और इसके भी आगे एक रूम है, ये एक रूम है, इधर तो बालकनी नहीं लगी, बालकनी है। नहीं मतलब वही वाला अच्छी बाजू वाला, हम लोग नीचे मेरे को लगता है 2 बेडरूम हो जाएगा, हमारे बच्चे लोग हम लोग इन लोग लिए वही मेरे को चाहिए। अरे चल ना, जब वो ले ली तो लेने जाएंगे। आज की रात हम लोग क्या बोल रही हूँ, सोने जाएंगे तो अलग अलग रूम में सो जाएंगे। तो आज की रात एक एक दिन रह लेते हैं, जा रहा जैसे चाहे। नहीं मुझे वही चाहिए, मैं सोफे पे सो जाऊंगी नीचे। अरे सुन ना, नहीं मैं नहीं बंद कर रहा, मैं चालू रखूंगी। ये इतनी बालकनी है, यहाँ पे खड़े होकर देख सकते हो, बुला सकते हो किसी को नहीं। तो बोलते ना ये वाले रूम में ना अपन सब 5-6 लोग वहाँ बैठेंगे, मस्ती मजाक करेंगे, वहाँ बैठेंगे। उसके बाद फिर जब सोने का 2-3 बजे का ना, तो आप उन पे जाके अपने कोई भी रूम में सो जाने का ना, ठीक है देखेंगे। सोना ही तो है, ट्राई करेंगे। बट मुझे वही चाहिए क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है ना वो बालकनी खुल के, डायरेक्ट ऐसा अच्छा लग रहा है वो, तो वहाँ से हवा भी आएगी। सुनते नहीं है ये लोग। अभी ये हमारा विला है, आपने देख लिया है, सब अपना अपना रूम लेके बैठ गए हैं। अब मैं मिलूंगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि मेरा हाथ बहुत दुख रहा है फोन पकड़ते पकड़ते। और आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने मेरा पूरा चेहरा कैसा हो गया है, पूरा धोना पड़ेगा। हेलो काम सूख गया तो क्या पैसा मांग, रुक जा मैं बताता हूं।
कैसा लग रहा है अम्मी? मैं जा रहा हूँ स्विमिंग पूल गाइस। अच्छा लग रहा है, गाँव में आया। उससे बड़ा है ना लेकिन? हाँ बहुत बड़ा है, इसमें कितना नीचे दो रूम ऊपर पांच, ऊपर चार रूम, तीन चार रूम है। बट सामने वाला देखो ना वो भी अच्छा लग। तो गाइस हम ऊँट पे बैठ चुके थे और ये ऊँट इतना मतलब डर लगी थी बैठने में, और एक तो जब आगे हम लोग गए तो कितना ज़्यादा ऐसा मतलब चल रहा था, जब चलता है ना वो तो बहुत मतलब हैवी लगता है, बहुत अजीब से लगता है, पीठ तो बहुत लगती है। और यहाँ पे इनसे वो मोटर बाइक चलाने के लिए बैठा था ताकि उसको भी मतलब जब सब एक एक राइड ले रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग को वो ऊँट वाला ऊँट था जो मतलब जो ऊँट चला रहा था वो बहुत मतलब आगे तक लेके चला गया था। और यहाँ पे अम्मी अपना सेफ्टी पिन सही कर रही हैं, भाभी चना खा रहे हैं। और यहाँ पे आयशा लोग भी ऊँट पर बैठे थे, उन लोग रिटर्न आ गए थे। उसके बाद उन लोग बोल रहे थे इतना आगे तक लग गया था और उन लोग के पीठ पर लग रही थी। उसके बाद जो थोड़ी देर बाद ही हम लोग पीछे से आने लगे, लेकिन ये है कि कमर पे जो पीछे से बेल्ट मतलब सीट के तरह बना हुआ बहुत दर्द हो रहा था। उसके बाद गाइस भी देखो हम लोग यहाँ पे आए हैं और हम लोग को बहुत मज़ा आई, लेकिन मैंने पहली बार बैठी थी, पहला एक्सपीरियंस लेकिन बहुत अच्छा था। अलीबाग का ये बीच है, नाम नहीं याद है बीच का, ये मतलब इसमें हर एक राइड थी। हमें सेकंड डे भी यही बीच पे गए थे क्योंकि और बीच मतलब इतना वो रहता नहीं है। तो ये मैं उतर चुके हैं और उसके बाद हम नीचे उतर गए। फिर मैंने हम लोग सोचे कि हम लोग बाइक ले रहे हैं। फिर देखो यहाँ पे सब वहाँ पे यूसुफ लोग बैठ गए थे, फिर यहाँ पे अम्मी लोग, अम्मी और भाभी बैठने की बारी है। अम्मी और भाभी बैठ रहे थे यहाँ पे ऊँट पे, फिर देखो इन लोग ऊँट पे बैठ के गए। इन लोग को भी डर लग रही थी क्योंकि ऊँट हिल रहा था और मतलब एक पहला एक्सपीरियंस होता ना कि मतलब गिर जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग जा रहे थे मोटर बाइक पे, फिर मोटर बाइक पे हमें गए, उस पर भी बहुत मज़ा आया। मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मैं कभी बैठी नहीं ऐसा, क्योंकि इतना अच्छा लगा था। मतलब जब पहली बार बीच आई तभी भी मैं बैठी नहीं थी, इसके बाद मैं फ़र्स्ट टाइम ही बैठी हूँ और इतना मज़ा आई थी, इतना दूर तक चल रहा था, इतना फास्ट चला रहा था, बहुत मज़ा आई थी। फिर उसके बाद जितने इतने सब हमारा फेस तो देखे नहीं, देखे ना थोड़ा सा दिख रहा होगा, लाइटिंग आ रही होगी। अभी हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए। आज मैंने बहुत कम व्लॉग बनाई, मतलब ये बहुत रेयर वीडियोस अपनी फेस नहीं दिखाई, बहुत इधर उधर बस दिखा दी क्योंकि स्विमिंग पूल में भी जाना था, बहुत थक भी गई थी इसलिए मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई। तो अभी हम आइसक्रीम खाएंगे, उसके बाद आज का मेरा मेकअप लुक बहुत सिंपल है, बहुत यूनिक और अच्छा भी लग रहा है। एक्चुअली होता है यही सो के हो और व्लॉग बना तो अच्छा लगता है। कॉटन कैंडी 30 वाली, ब्लैक करंट रॉयल रजवाड़ी कितने वाली है ये कुल्फी? अभी कितने वाली है ये? अच्छा मेरे को कौन नहीं है क्या? 30 वाली, 30 वाली कौन? रॉयल रजवाड़ी अच्छी है ये चॉकलेट। 30 वाला नहीं है, 30 वाला दे दो। अच्छी हाँ नॉर्मल कुल्फी की तरह जो वहाँ मिल जाएगी मेरे को, कौन खाना देगा? हाँ बटर स्कॉच है, 30 वाली है, 27 है, 27 रुपए की। अच्छी है ये खा ले। ओह भाई मेरे को भी थोड़ा सा खिलाना, आगे को खोलना तो खोलना अब। अपनी आइसक्रीम तो खोल
भाभी हम लोग खा लेते हैं। कौन सी मच्छी है वो? कौन सी मच्छी रेपी? सुरमई सुरमई है ना, अच्छी आ रही है। मास्क लग चकने के लिए डिजाइन आई हुई है। कौन सी? अरे वो कह रहे हैं कुछ नरम है। इसमें काटन दे दे ना, भी थोड़ा खा कर देगा का काल में। मस्त पागल सच्ची में अच्छी है, सही में अच्छी है। खा ले तुम्हें रोने टाइप हो गया था, मतलब भूख लगी थी एक्चुअली, क्या ना आप लोग बहुत चला के लेके आ गए थे ना, इस वजह से। खाना खत्म हो चुका है, अब हम घर जा रहे हैं। हमारी कार भी आ चुकी है और मैं सॉफ्ट खा रही हूँ, और मैं लिच्ची भी मिल चुकी, सब कुछ मिल चुकी है। और अभी ये है आयशा अभी ओढ़नी वाला। ये हम लोग जा रहे ना? नहीं हम लोग जा रहे हैं, वो अंकल की मूर्ति हम लोग देख रहे हैं। समझे ना कि जो कार पहला आई है तुम लोग की थोड़ी होती है, हर बार अंकल अंकल कोई आ नहीं जाता कुछ भी रज्जका मतलब। अरे क्या बोलते हैं उसको, आज मजा करेंगे बहुत, मतलब रात जाएंगे सब कुछ करेंगे, पार्टी होगी बेटा पार्टी। अभी हम लोग आज स्विमिंग पूल में बहुत टाइम तक थे। नहीं मैगी वैगी नहीं, इतना बहुत कुछ खा लिया, नूडल खाए, फ्राइड राइस खा दो, फिर उसके बाद थम्स अप पिए, पानी पिए, अरे मछली खाए, इतना खाए पेट नहीं, अंडा हो गया लुकर कुछ नहीं। मेरा गाना ना बजाओगे? मस्त मस्ती करेंगे रात जाके, बहुत मजा आएगी। लग रहा है सच्ची में यार, रात का व्यू से कुछ अच्छा आता है। नहीं कुछ नहीं हाँ। सब जगह इधर इधर ये लोग पहुंचे नहीं अभी तक। अरे वाह पुल तो और अच्छा लग रहा है, देखो कितना छोटा लग रहा है पुल है ना, और ऐसे डुबकी मार के गिर पड़ेंगे वहां पे। हम पहुंच गए हैं इधर घर पे। एक्चुअली हुआ क्या था कि हम लोग आए तो अब पता चला कि वो अंकल पूरा दरवाजा सब खोल उल के रखा हुआ है, और फिर हम लोग आए तो फिर अंकल ऐसा बोलने लगे थे, मतलब होता है ना कि पूरा खोल के ही चला गया, अभी ऐसा कोई करता है क्या? हाँ चलो भूल हो गई, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अभी कोई सामान वामान चोरी हो गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखने की भाई, विला उस पर हम लोग छोड़ के गए थे। अभी आ गए, अभी हम लोग डीजे वगैरह बजाएंगे, और फिर हाँ मैं आज थोड़ा माइंड मत करना इतना, क्योंकि मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि हमको भी थोड़ा घूमना था, तो इसलिए मैंने जहाँ जो जो मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ मैं वहाँ वहाँ वीडियो मैंने बनाई, जैसे कि मैंने बीच पे गए थे मैंने बीच का भी बनाई और सबका बनाई मैंने। अब मैंने आपको ये व्यूज़ पूरा दिखाई, कितना अच्छा लग रहा है रात का व्यू। और यहाँ पे है ये आज का मेरा लुक था, बस लिपस्टिक मिट गई है बट अच्छा है। उसके बाद हाँ वो तो मैं हुई हुई प्यारी तो हुई, मेकअप के बाद भी प्यारी हूँ, मेकअप लगाने के उसके बाद भी प्यारी हूँ, पहले भी प्यारी 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 हूँ भाई,
ये क्या बुराई की बुराई करूँ भाई अपनी में। अब इसी तरह करना रहेगा, लाइक करना रहेगा और वीडियो को शेयर करना रहेगा।